Hi there guys, welcome back to my channel. Hope you are doing very good. So today I'm going to tell you about my journey. आप लोग को एक दास्तान सुनाई जाएगी मेरी जिंदगी की. ओके, ज़्यादा ओवर हो गई तो वापस अपनी लिमिट्स में आ जाती हूँ. मैं फिर बताती हूँ कि आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अपनी वेट रिड्यूस जर्नी, कि मैंने अपना वेट कितने से कितना रिड्यूस किया. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ ना, तो एग्जांपल मैं अपना ही बताती हूँ कि मैंने आई वॉज 65 kg व्हेन आई वॉज इन माई टीनेज. लेकिन अब जब मैं और ये मेरी थी व्हेन आई वॉज इन 9th grade. I was in the 9th grade and I was 65 kg. और 65 kg से तब से लेके अभी तक मैंने अपना 10 kg कैसे रिड्यूस किया. नाउ आई एम 55 kg. सो अब मैं बताऊंगी आप लोग को कि मैंने ये वेट रिड्यूस कैसे किया है और मैंने क्या क्या जतन किए इसको करने में. हाँ जी, तो जैसे मैं आप लोग को बता रही थी, तो पहले तो अपनी डाइट को अपना पूरा प्लान कर लो आप लोग कि आप लोगों ने क्या कब खाना है और कैसे खाना है. जैसे आप मैं थी, मैं हर चीज़ जो मुझे मिल रहा मैं खा लेती थी, जो मिलता था भले वो बेकरी आइटम हो, स्नैक्स हो, जंक फूड हो, जो भी हो, जितनी भी स्नैकिंग होती थी वो सब मैंने खानी, बेतहाशा ड्रिंक्स पीनी. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने एक लिमिटाइज कर दिया हर चीज़ को. भले मैं डाइट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने खाने को इतना पोर्शन में कर दिया है कि मैं 3 टाइम खाना खाती हूँ, साथ में मैं स्नैकिंग भी करती हूँ. लेकिन स्नैकिंग इन सेंस कि मैं एक तरह से आप लोग बोलो तो मैं बोलूँ कि हेल्दी स्नैकिंग मैंने कर दी. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिप्स खा रही हूँ तो चिप्स के बजाय मैं अब वो होते हैं ना पॉपकॉर्न्स, वो खा लेती हूँ. दैट इज़ अ वेरी इनोवेटिव थिंग कि मज़े के भी होते हैं, फ्रेश खाओ तो उससे ज़्यादा मज़े के लगते हैं. अच्छा, तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो आई हैड माई हनी इन द लूप वॉर्म बॉटल. गर्म पानी में, हल्के नीम गर्म पानी में मैं पीती हूँ हनी. तो वो पीने के बाद उसकी थोड़ी देर बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ. ब्रेकफास्ट में कभी मैं 2 boiled eggs ले देती हूँ विद 1 brown bread, या मैं कर लेती हूँ कि मैं पॉरेज ले लूँ. मैं पॉरेज ऐसे करती हूँ कि सारी रात सोक कर लेती हूँ, उसके बाद सुबह उठ के उसमें फ्रूट हो तो फ्रूट आप डाल के खा लो, या वैसे ही आप हनी डाल के खा लो तो दैट इज़ वेरी नाइस. अगर फ्रूट आप डाल के खाओगे ना, इट लुक्स सो यमी, इट्स टेस्ट वेरी यमी और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है. नॉर्मली पॉरेज और जो ओट्स होते हैं वो खाना पसंद नहीं आता हम लोगों को, और लिटरली मुझे नहीं पसंद था, लेकिन मैं उसमें गुजारे लाइक करने के लिए ना फ्रूट्स और वो हनी डाल लेती हूँ. अगर आप लोग के पास आलमंड्स हो तो आप आलमंड्स खाओ व्हेन एवर यू आर क्रेविंग, या आलमंड्स ले लो आप लोग, या वॉलनट्स ले लो, या भुने चने जो होते हैं वो आप ले लो. ये सारी चीज़ें आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी हैं, तो ये आप खा सकते हो. इतना अच्छा रहता है आपकी बोन्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और इवन आपके अंदर से ब्लड बहुत क्लीन प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है. एंड ज़्यादा आप इनोवेटिव हो कि आपने वेजिटेबल्स खानी है. मोस्टली वी आर लाइक वी आर नॉट मोर फोकस्ड इनटू वेजिटेबल्स, तो हम लोग को ज़्यादा फोकस रहना है कि हम वेजिटेबल्स खाएं, और जितना भी हम लोग सैलेड लेंगे अपने खाने के साथ दैट इज़ वेरी नाइस. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ कि मैं पूरी रोटी नहीं खाती, मैं रोटी सिर्फ 1 टाइम खाती हूँ रात में, और वो भी हाफ़ रोटी खाती हूँ. बाकी दोपहर में जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं अपने सालन के साथ, मैं रोटी नहीं खाती, मैं सालन के साथ क्या करती हूँ अपना सैलेड बना के वो खा लेती हूँ. ये मेरा हो गया दोपहर का खाना. जैसे मैंने आप लोग को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बताया कि मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स या 2 boiled eggs विद 1 brown bread वो खा लेती हूँ. उसके बाद आफ्टरनून में, लंच में मैं अपना खाती हूँ नो रोटी, ओनली सालन एंड द वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स इन सेंस के आप क्यूकम्बर ले लो, पूरा सैलेड नहीं खाना, नहीं पसंद तो क्यूकम्बर ले लो, टोमेटो ले लो, या अनियन ले लो. टोमेटो को थोड़ा सा कम ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो शुगरी, उससे भी ज़्यादा नहीं खाते हम लोग. अगर आप बहुत ज़्यादा कीटो में चले जाओ ना, कि कीटो डाइट आपने करनी है, तो उसमें भी आप देखो कि कीटो डाइट में भी आप ज़्यादा टोमेटो नहीं खा सकते. सो टोमेटो को ज़्यादा नहीं आप यूज़ करो. वैसे तो
कीटो इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं कीटो के लिए प्रेफर भी नहीं करती कि आप कीटो की तरफ जाओ. लेकिन जब आप डाइट को कर रहे हो, अपने होम रेमेडीज डाइट कर रहे हो, तो आप अपने डाइट को ऐसे मेंटेन करो कि जिस चीज़ से आपको ज़्यादा लाइक मिले, पावर मिले, स्ट्रांगनेस मिले, स्ट्रेंथ मिले, ये सब चीज़ें मिले आपकी बॉडी को. और फिर अगर आप आ जाते हो शाम में मोस्टली ऐसा होता है क्रेविंग हो रही होती है, हल्का पुल्का कुछ खा लो आप लोग, तो आप अपने रखो, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स आपको बताए, 3 ड्राई फ्रूट्स बताए, वॉलनट, आलमंड और एक मैंने क्या बताया था, यस, भुने चने. ये तीनों चीज़ें आप खा सकते हो. और पॉपकॉर्न्स आप ले लो, पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे हैं, वो आप लोग खाओ, वो बहुत इनोवेटिव है. और उसके बाद आप ले सकते हैं, और आप जब हो गया तो अगर आपको चाय की क्रेविंग है, वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, मुझे चाय फूबी है, तो मैं चाय ज़रा भी नहीं पीती, तो चाय तो मैं ज़रा भी नहीं पीती. अगर ज़्यादा हो के कुछ आपको पीना है, तो आप विदाउट शुगर चाय लो. विदाउट शुगर जब आप चाय लोगे ना, दैट इज़ वेरी नाइस. और जिनको दूध पीने की आदत है कि येस वी हैव टू टेक अ मिल्क फॉर कैल्शियम, तो वो भी अगर आप नेस्वीटा लो तो वो बहुत अच्छा है. येस उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन एज अ मेडिसिन आप ले सकते हो कि आप वो ले लो. लेकिन आपको तब भी डेरी मिल्क पीना है फुल क्रीम वाला, तो टेक इट विदाउट शुगर. भले मैं डाइट करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं विदाउट शुगर मिल्क पीती हूँ, क्योंकि एक तरह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर जा रही. ऑलरेडी हमारे कार्बोहाइड्रेट से हमें शुगर मिल रही होती है, अगर हम राइस खाएं उससे शुगर मिल रही होती है, सो टेक इट लेस, जितना भी हम लेस कर सकते हैं. और उसके बाद अगर रात की बात कर लो, अपने रात के खाने की बात कर लो, तो उसमें मैं हाफ़ रोटी खाती हूँ. हाफ़ रोटी या चावल हो तो उसको भी जितना मैं खाती थी उससे हाफ़ प्लेट खा लेती हूँ. तो सैलड आप ज़्यादा लो, सैलड लो. सैलड आपको अपने ब्रेकफास्ट, इन लंच एंड इन योर डिनर. लंच और अपने डिनर में दोनों दफ़ा आप सैलड लो. अब जितना आप सैलड ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है. सैलड और सालन ज़्यादा ले लो, और रोटी आप हाफ़ लो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जितनी हमारे अंदर जाएंगे आपका जिस्म उतना ज़्यादा द फूलेगा. नॉर्मली फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के तो जिसम एकदम फटाक से फूलता है भाई. मेरा तो ऐसा ही है कि मैं तो देख भी लूँ खाने को तो मेरा जिसम फूल जाता है. सो आई वाज लाइक कि ओके खाओ आप सब, लेकिन एक पोर्शन में खाओ. फॉर एग्जांपल अगर आप बर्गर भी ले रहे हो, तो आप अगर इन अ मंथ आप ट्वाइस अ टाइम खाओ, दैट्स टोटली इनफ. लेकिन अगर आप रोज़ प्रेफर करके बाहर का खाना खाना है, या बिल्कुल खाना छोड़ दो डाइटिंग में, दैट इज़ नॉट योर इनोवेटिव. वो आपकी बॉडी को अंदर से ज़्यादा वीक करेगा, आपके अंदर वीकनेस होंगी, और मोस्टली इससे ये होता है कि आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है. बिना खाए भी ना आपका जिस्म फूलता है. सो ये नहीं करो कि अगर मैं डाइटिंग करूँ, अच्छा मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, नहीं. ईट इट एवरीथिंग, सब खा लो, एट एवरीथिंग, बट ईट द थिंग्स इन अ वेरी पोर्शन. अगर आप दो चीज़ें खा रहे हो, एक जैसे आप दो रोटी खा रहे हो तो एक पे आ जाओ, एक खा रहे हो तो आधी पे आ जाओ. जैसे मैं तो आधी खाती हूँ, अभी आधी से सब तो ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन आधा आप खा सकते हो, इतना आप कर दो. सो दिस इज़ वॉट आई हैव डन इन माई जर्नी, और बहुत मुश्किल था. और इसके साथ एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द वन थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द इसेंशियल थिंग इन योर डाइट प्लान, कि आप लोग को एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज का एक टाइम आप चूज़ कर लो, भले वो आपकी मॉर्निंग एक्सरसाइज हो या इवनिंग. जैसे मैं मॉर्निंग में तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी होती है कि जॉब पे भी जाना, ये भी काम करना, वो भी काम करना, तो आई कैन डू दैट. तो मैं अपना शाम का टाइम प्रेफर करती हूँ एक्सरसाइज के लिए, एंड डू द एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 to 60 minutes. जितनी आप एक्सरसाइज अपने फोकस रहोगे ना, मोर फोकस ऑन योर एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज का हाफ पार्ट तो आपका एक्सरसाइज से ही पूरा हो जाएगा, बल्कि मोर देन अ हाफ पार्ट, जिसमें आप स्क्वाट्स लगाओ, आप क्रंचेस लगाओ, साइकिलिंग करो. साइकिलिंग इन सेंस कि आप लेट कर साइकिलिंग करो अपने टांगों से, दैट इज़ वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा है आपके लिए. बाकी डंबल्स पकड़ के आप
अपनी साइड्स एक्सरसाइज करो, उससे आपकी जितने भी स्टमक की साइड्स होती हैं, आपकी बैक की साइड्स होती हैं, वो बहुत अच्छी शेप में आ जाती हैं. दिस इज़ द थिंग्स विच यू हैव टू मोर फोकस ऑन दीज थिंग्स. अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे विद इन अ मंथ और विद इन अ टू मंथ्स आपको खुद फ़र्क पता चलेगा कि आपके की बॉडी में कितना फ़र्क पड़ रहा है. इवन सिंस आई वॉज डूइंग माई दिस वेट रिड्यूस जर्नी सिंस आई थिंक 2015, यस सिंस 2015 आई वॉज डूइंग दिस. और मैं आज 2023 है और मैं अभी तक मैं इसी रूल पे चल रही हूँ, इसी डाइट प्लान पे चल रही हूँ. मैं बहुत बहुत मेरे अंदर रहा है, मैं जब मैं अपना थंबनेल बनाऊंगी सो यू कैन सी दैट कि भाई में कितना डिफरेंस आया है. लेकिन बट स्टिल आई हैड दिस थिंग दैट आई हैव टू डू थिंग द थिंग्स विच आई रियली नीड टू डू इट. मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट बनाना है. ऑब्वियसली कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, बट स्टिल आई थिंक दैट मैं अपना मेरा एक अपना ही एक माइंड सेट है कि मुझे और रिड्यूस करना अपना वेट. लेकिन एज other people see and say, no, you're okay, you're fine, but still I have to do it. So thank you for watching my video, guys. If you like the video, so don't forget to subscribe, like, comment and share. Bye. Thank you so much once again.